जब युद्ध हुआ तो एक बार रावण ने हनुमान जी से कहा भी, बोले चलो एक एक मुक्का की ना हो जाए। हनुमान जी बोले मतलब? बोले तुम भी बलवान हम भी बलवान, देख लेते हैं कौन कितना बलवान, युद्ध लड़ो। हनुमान जी बोले लड़ेंगे, तुम भी बलवान हम भी बलवान, 20-25 दिन लग जाएंगे, एक काम करो एक एक मुक्का को ट्राई कर लो, जिसका ज्यादा पावरफुल वही बलवान। ये बढ़िया है, ये ठीक है। हनुमान जी बोले अच्छा था तुम मारो पहले। रावण बोलो नहीं 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 आप मारिए, आप हमारे अतिथि हैं, लंका में आए, आप मारो। हनुमान जी बोले कहूं हमने मसक दा, वो तुम्हारी तेरे ही हो गई, फिर तुम्हारी हाथों की खुजली ऐसी रहेगी, तुम एक आशा लिए मर जाओगे कि मुक्का ही नहीं लगा पाए, इसलिए तुम ट्राई करो। रावण बोलो का संभव है कि एक ही बेर में? बोले अब क्या बताएं, अब राम जी पूरी लीला राम जी हाँ करने, नहीं तो हम अभी ट्रायल कर ही देते। रावण बोलो ऐसी बात है तो हो जाने दो। रावण 20 भुजाएं 20 आंखें 10 सिर, बोले सावधान। हनुमान जी बोले बिल्कुल है, आ जाओ चाहे जैसे आओ बखरी में आओ। हनुमान जी ने भी बढ़िया हाथ पांव फटकारे, हाँ भाई रावण तैयार। रावण ने एक मुक्का बनाओ ऊपर की तरफ करो, ऊपर की तरफ करके एक मुक्का जैसे ही छोड़ो, हनुमान जी जैसे ही छोड़ो तो हनुमान जी थोड़ा ऐसे ऐसे भर भय और ठीक ठाक। अब रावण 20 आंखें मिलकाएं और खोले, मिलकाएं और खोले। हनुमान जी बोले काहे चक्कर आ गए का? रावण बोलो चक्कर नहीं आओ, हम जो देख रहे तुम गिरे नहीं। हनुमान जी बोले कहां गिरे? रावण बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें चक्कर नहीं आओ तिल मिली? हनुमान जी बोले हमें नहीं। बोले तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जैसे सांस रुक रही हो? हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण बोले बिल्कुल नहीं। हनुमान जी बोले बिल्कुल नहीं। रावण समझ गए जी तो खतरनाक है, पूरा मुक्का ही से है। हनुमान जी बोले अब बहुत हो गई बात है, अब हवाओं ले लो प्रसाद। हनुमान जी ने मुक्का ऊपर बनाओ 360 डिग्री फैसला करो, और जैसे ही 360 डिग्री फैसला करो तो ब्रह्मा जी और शंकर जी दो ही जने ऊपर देखे, बोले अगर जी दे दी इतना ही में रामायण पूरी हो जाने। शंकर जी और ब्रह्मा जी आपस में बात करके शंकर जी बोले जाओ जल्दी, ब्रह्मा जी जल्दी जाओ। ब्रह्मा जी बोले कहे? बोले जौन हिसाब को भाई साहब बनाए हैं वह हो गई तई रामायण पूरी, बदहोने राम जी के हाथन से जय पूरी पहले ही करे दे रहे। ब्रह्मा जी बीच में प्रकट भाई बोले रुको 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 रुको। रामायण बोले एक तरफ हो जा, बीच में कहां रुको रुको आ गए, यहां पर युद्ध हो रहा है एक एक मुक्का का। ब्रह्मा जी बोले वो ही से बचा भी आए तुम्हें। रावण बोलो मतलब? बोले जौन हिसाब को भाई साहब 360 डिग्री फैसला बनाए हैं, अगर जी ऐसे ही मसक दे हैं तो नीचे गड़ जे हो हड्डियां ना मिले। रावण बोलो हैं इतने बलवान? ब्रह्मा जी बोले ज्यादा अगर खुजली हो तो ट्राई करवा ले। रावण बोलो कान में बोले था कह दो तना घटा दे। ब्रह्मा जी हनुमान जी के पास आए, ज्यादा है? हनुमान जी बोले तो? बोले ज्यादा है ऐसे में गड़बड़ हो जाएगा। हनुमान जी बोले वाह जब रावण ने मुक्का मारा था तब नहीं प्रकट भाई, उसका पक्ष लेने प्रकट हो गए। बोले हम भाई उसका पक्ष लेने नहीं आए, हम तो इसलिए आए जिस हिसाब से आप बनाए हो, अगर रगड़ दे हो तो ये तई राम कथा निपट जाने, तुलसीदास जी वाल्मीकि जी अरे फेल हो जाने, क्योंकि बध लिखा है राम जी के यहाँ तो तुम्हें कर देने बध, क्या करें थोड़ा सा साइज घटाओ। हनुमान जी ने 360 से 100 टेढ़ो करो, अब 160 अब ठीक है। ब्रह्मा जी के चार मोह चारों आठों आंखें बंद करी, अभी भी गड़बड़ है। रावण बोलो अब क्या गड़बड़ है? बोले इतने में भी तुम्हें कम से कम 3 महीना होश नहीं आना है, 3 महीना। तो रावण बोलो और तो कोई दिक्कत नहीं है, युद्ध रुक जाएगा तो तनक और घटवा प्रभु तनक और। हनुमान जी बोले नहीं अब इतने तनक। हनुमान जी ने 80 डिग्री और घटा, अब ठीक है। रावण ब्रह्मा जी से बोलो तुम्हें बताओ ठीक है? ब्रह्मा जी ने फिर आंखें बंद करी, बोले 2-4 दिन तो तुम्हें बिस्तर से उठने नहीं आ, इतने में भी? रावण बोले इतने में भी? ब्रह्मा जी बोले और का? बोले तनक और घटवा। हनुमान जी ने तनक और घटाओ, अब बोले अब ठीक है। जैसे ही हनुमान जी ने ऊपर करके और एक रावण के मुक्का धड़ाम से भुजा पसार करके गिर गया रावण,
जहां भूमि पर रावण गिरा, सोई हनुमान जी गंगा जल लेके लगे मुंह में डाल, उठ जा भैया रावण ना पूरी हो गई हो, हवा करे हनुमान जी पानी डाले, रावण की बीस के खोल के प्रकट भाव। हनुमान जी बोले काय भैया कैसो, बोले कुछ भी कहो तुम बहुत पलवान हो।